नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने उनकी किसानों के संबंध में की गई मांगों के केंद्र की तरफ से जनवरी अंत तक स्वीकार न किए जाने पर भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रालेगेड़ा सिद्धि गाँव में अन्ना हजारे ने पत्रकारों से कहा कि वो किसानों के लिए पिछले 3 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। वहीं अन्ना हजारे ने कहा, सरकार केवल खोखले वादे करती है, इसलिए मुझे उस पर अब कोई विश्वास नहीं है। देखते हैं सरकार मेरी मांगों पर क्या कदम उठाती है। उन्होंने 1 महीने का समय मांगा है और मैंने उन्हें जनवरी अंत तक का समय दिया है। अगर मेरी मांगें पूरी नहीं हुई, मैं फिर भूख हड़ताल करूँगा। ये मेरा आखिरी प्रदर्शन होगा। दरअसल अन्ना हजारे ने 14 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि एमएसपी स्वामीनाथन समिति की अनुशासनाओं को लागू करने और कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्वायत्तता प्रदान करने संबंधी उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो वो भूख हड़ताल करेंगे। आपको बता दें, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरिभाऊ बागड़े ने हाल ही में हजारे से मुलाकात की थी और उन्हें केंद्र की तरफ से लाए गए 3 कृषि कानूनों के बारे में अवगत कराया था। गौरतलब है कि किसान संगठनों ने जब 8 दिसंबर को कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हुए भारत बंद बुलाया था, तब हजारे ने 1 दिन का उपवास रखा था। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में देश के विभिन्न राज्यों के किसान दिल्ली में बीते करीब 1 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कानूनों को सितंबर महीने में अधिनियम किया गया था। सरकार ने कानूनों को लेकर दावा किया है कि इससे कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और मध्यस्थों की भूमिका कम होगी, जिससे किसान देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।